इत्थे असीं पहुंचे हुए हां सिंघू बॉर्डर दे उपर ते अज इक ऑर्गेनाइज करवाया गया है कबड्डी टूरनामेंट ते कबड्डी टूरनामेंट शुरू होने तो पहला तुसीं देख सकते हो कि इत्थे निहंग सिंह गतके दे जौहर जिहड़े ने दिखा रहे ने। यह तस्वीरां सिंघू बॉर्डर दीआं ने। सिंघू बॉर्डर दे उपर कबड्डी का जिहड़ा टूरनामेंट है कप शुरू होने तो पहला जिहड़ियां ने निहंग सिंह फौजां अपने जौहर दिखा रही ने, अपने करतब दिखा रही ने। घोड़े भी इत्थे मौजूद ने मैदान दे विच, असीं तुहानूं दिखा रहे हां। तो इस दे नाल नाल जिहड़ा कबड्डी कप हैगे ने वह भी इत्थे पए होए ने स्टेज के उपर, तो जिहड़ा टूरनामेंट आ वह भी कुछ ही पलों के इत्थे शुरू होने वाला है। ये जिहड़ियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हां असीं, ये सिंघू बॉर्डर दीआं ने, जिथे किसानां दे लई खास तौर पर एक कबड्डी कप जिहड़ा आ ऑर्गेनाइज किया गया आ। तो अज जिहड़ा कबड्डी कप इत्थे लगभग 8 टीमां जिहड़ियां इत्थे भाग लै रहियां ने, जिन्हां विच 6 टीमां पंजाब दीआं ने ते 2 टीमां जिहड़ियां हरियाणे दीआं भाग लै रहियां ने। इत्थे असीं गलबात जरूर करांगे कि इत्थे कीड़ियां कीड़ियां टीमां पहुँच रही ने। असीं गलबात करते हैं इत्थे इन्हां दे नाल। इत्थे तुसीं देख सकते हो कि बहुत सारे किसान जिहड़े ने ओह इत्थे बैठे हुए ने इन्हां नूं देखण दे लई। इह तुहाडे सामने हैगा आ कि ये जिहड़े किसान ने ये सारे इत्थे बैठे हुए ने, गलबात करते हैं असीं इत्थे जिहड़े ऑर्गेनाइज़ कर रहे ने। सत श्री अकाल जी, तुसीं वलंटी हो रहे इत्थे, ते अज किन्नियां टीमां जिहड़ियां इत्थे कबड्डी दीआं पहुँच रहियां ने? इत्थे भैन जी 8 जिहड़ियां क्लबां है जी, वह इत्थे अज उन्हां दे मैच होणगे जी। एक सैमीफाइनल दे बाद एक 2020 एज दा वो मैच है जी। इत्थे किन्ना वल्लों ऑर्गेनाइज करवाया गया कबड्डी कप, उहदे बारे थोड़ी जिही जानकारी जरूर। ये महाराजा रणजीत सिंह क्लब जर्मनी, तो साढ़े वीर जिहड़े प्रवासी ते बाकी सारी जिहड़ी सिख कौम साडी सारा दे सहयोग नाल हो रहा जी। किन्नी खास जरूरत सीगी इस कबड्डी कप की? लोगों की मानसिक परेशानी तो जो असीं कह लईए किसान एक थां बैठे हुए ने, उन्हां दी मानसिकता जिहड़ी हैगी आ प्रैशर बहुत है, किन्नी जरूरत सी? ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਇਹ। देख रहे हो तस्वीरों के गतका जिहड़ा है वह खेडिया जा रहा है, तो इस नाल नाल असीं गलबात भी जरूर करते हैं कि किन्ना वालों ऑर्गेनाइज करवाया गया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अज 8 टीमां तुसीं दस्सिया है कि भाग लैण आ रही ने, किन्ने बजे तक जिहड़ा मैच शुरू हो जाएगा? बस गतके तो बाद उन्होंने मैच शुरू है जी। गतके तो बाद बिल्कुल स्टार्ट आ। तो जिहड़े कप ने किन्ने रखे गए ने, किस उन्हां दा की सिस्टम है? पहला इनाम ते दूजा इनाम ते बाकी जिहड़े बेस्ट रेडर ते बेस्ट जाफी होगा उहदे वास्ते है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ? ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਰਮਨ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਨ ਕਲੱਬ ਆ ਬਾਹਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਫੰਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਕੱਪ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪ। ਆਜ਼ਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਤਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,
जो छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह भी करवाते सन तो गुरु अमरदास पातशाह भी करवाते रहे। मल अखाड़ा गोंदवाल साहब विखे बनया होया है, ये सारा कुछ अज इत्थे हो रहा। बहुत ये साड़ी जित का प्रतीक आ, असी जित जावे। निहंग सिंह जिहड़े ने देखो तुसी घोड़ दौड़ भी करा रहे ने इत्थे, ये सामने हैगा निहंग सिंह, ये इत्थों का नज़ारा हैगा सिंघू बॉर्डर का, जिते तुसी देख रहे हो कि निहंग सिंह जिहड़े ने घोड़ दौड़ा भी इत्थे करवा रहे ने मैदान दे विच। एक खूबसूरत नज़ारा इत्थे तुसी देख रहे हो, किवें लग रहा है अज इत्थे कबड्डी कप कराया जा रहा है? ये जिहड़ा कबड्डी कप या टूरनामेंट है अज तो नहीं, ये गुरु अंगद देव जी ने शुरू करे सी मल अखाड़े, उदों भी मल अखाड़े शुरू करे, गुरजां दित्तियां जांदियां सी। ये गुरुआं तो दूजे पातशाह तो शुरू होया वा ये इतिहास है जिहड़ा, क्योंकि शरीर नूं तंदुरुस्त रखना, चुस्त फरुस्त रखना, शरीर दे विच ताकत दा जमैश करनी, ये जिहड़ी सानूं गुरुआं तो मिलिया। उस तों बाद छेवें पातशाह ने भी घोड़े नौजवानी ते सिंघां नूं गतका खड़ाउणा, मल अखाड़े लाउणे ते सौची पक्षी खड़ाउणी, रेसा लवाउणियां ते सिंघां नूं तैयार बर तैयार करना। ये गुरुआं तो चलिया आउंदा साडा इतिहास, साडा विरसा, पुराना ये विरसा, साडी विरासत है, मतलब एक सिख धर्म की ते ओही विरासत है जिहड़ी अज महाराज साडे तो ये सेवा लै रहे, अगे वधा रहे आ साडे नौजवानां नूं, अगे विरासत है जिहड़ी अगे चल रही है, मतलब अगे तो। अज तुहानूं जिहड़ी सिक्योरिटी दा सारा निहंग सिंघां नूं दित्ता गई है जिम्मेवारी, पूरे प्रबंध तुसीं कीते होए ने आसे पासे दे, क्योंकि बहुत वड्डा असीं कह सकदे हां अरेंजमेंट इत्थे कीता होया वा टूरनामेंट वालियां वल्लों, किवें सिक्योरिटी दा तुहाडा किवें दा रहेगा अज? जिहड़ी ये निहंग सिंघ ना ये तैयार बर तैयार फौजां है, इन्हां नूं पता एक तरह की ये बहुत तगड़ी फोर्स है, मतलब फौज है ये बाबे बुढ़े की, बाडे जिवें उन्हां दी बाबर कह दी आर्मी है, बाबे बुढ़े दी आर्मी है, बाबा बुढ़ा जी दी, इन्हां नूं सिखत कीता जांदा सुरक्षा वास्ते, आपदे बचाव वास्ते, जंग युद्ध वास्ते, सारे जिहड़े दा पेज आ सुरक्षा दे विच निहंग सिंघां नूं सिखाए जांदे, सिखे जांदे दल पंथां दे विच, घोड़ सवारी, शास्त्र विद्या, सुरक्षा दा किवें प्रबंध करना है, ये सारा तां करके ये महाराज वल्लों ड्यूटियां इन्हां दीआं पहलां लगदियां लाड़लियां फौजां दीआं, ये सिखत आ सारे कम्मां बारे। वैसे तो सारे जिहड़े किसान आ साडे ये भी सुरक्षा कर सकते आ, सारे सुरक्षित बनाया, पर इन्हां नूं थोड़ा विशेष ट्रेनिंग दित्ती जांदी है, मतलब अज जिहड़ी विशेष ट्रेनिंग आ ओह इत्थे दिखाई जा रही है कि तुहानूं जिहड़ा सुरक्षा दा प्रबंध पूर्ण तौर ते दित्ता होया है। हाँ जी बीबी, वह फिर तां करके ये जानी वध इन्हां नूं सुरक्षा दित्ती हुंदी है, इन्हां नूं वध पता है क्योंकि महाराज नूं पता है, तो बाकी महाराज ने आख्या भी आ भी पहला दल मिल मिलेंदे आपण पिया निहंगा, पहला निहंगां दा ही भेड़ पैंदा जदों जंग युद्ध भी हुंदा, पहला दल मिलेंदे आ भेड़ पिया निहंगा, क्योंकि महाराज ने सारा कुछ सानू सिखाया, उन्होंने शांति भी सिखाई है, शांति दे नाल सानू यह भी सिखाया भी जे ना शांति दे नाल लोट आवे तां जंग युद्ध किवें करना है, किवें दा पेज वरतने आ, महाराज ने आख्या राजनीति भी सीखनी है, शत्रु नूं दाम दांड भेदभाव सारे उपरांत युद्ध सारे दा पेज वरतने आ, जिवें महाराज दसवें पातशाह राजस्थान दे विच गए सी ते उन्होंने कहा भी साडा जिहड़ा दादू पातशाह दादू पंथियां कोले गए, उह कहिंदे साडा जिहड़ा दादू आ उन्हें कहा सी भी जे सानू कोई कुटमार कर जे तां असीं उहदे पैर फड़ लईए जां असीं आह करिए, उन्होंने आपदा दस्सिया भी सानू दादू साडे दादू ने आह सिखाया, महाराज कहिंदा भी थोड़े दादू दावे नूं नहीं असीं मानदे, साडा दादू दावा कहिंदा कहिंदे महाराज ने मतलब कहिंदे साडा हैगा भी सब नूं लईए लुट, दादू दावा बन के सब नूं लईए लुट, महाराज कहिंदा साडा नहीं गा यह हैगा, अही तां ने भी जंग युद्ध करो, जे कोई मूहरों अट जगदा ही पत्थर चकीए उहनूं मूहरों। बिल्कुल जी, तैयार बर तैयार फौजां जिहड़ियां ने निहंग सिंह हमेशा ही तैयार रहिंदे ने, असीं होर भी इत्थे जिहड़े सिंह ने आ तुहानूं दिखा रहे हां तैयार बर तैयार शस्त्रधारी जिहड़े ने इत्थे स्टेज ते इस वेले बैठे होए ने, गलबात जरूर करदे हां। सब तो पहला निहंग सिंह फौजां ने, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी अज बाबा जी इत्थे जिहड़ियां हैगियां ने निहंग सिंह फौजां जिहड़ियां ने जौहर दिखा रहियां ने, उस तों बाद कबड्डी कप हैगा आ, किवें लग रहा अज सिंघू बॉर्डर ते बैठे होए ने ते अज ये जौहर भी दिखाए जा रहे ने? ये गुरु दियां फौजां जिहड़ियां ने ना ये सिंघू बॉर्डर दे उत्ते आ के ते अपना
गलकाबाजी होर इत्थे खेड रहे ने सारे किसान रल के खेड रहे ने सारे जिन्ने हैगे ने इदां ही खेडां हुंदियां रहणगियां जिन्ना चिर मोदी काले कानून वापस नहीं करता उन्ना चिर इत्थे सिंघू बार्डर ते भावें सानू 10 साल बहना पए तां वी इत्थे बैठे रहांगे और इदां ही खेडां करदे रहांगे ते मोदी नूं साडी इही गल है बेनती है भाई अपने कानून जिहड़े ने काले ये छेती छेती वापस ले ले क्योंकि इहदे च भला है ये वापस ले ले बड़ा भला होएगा किसान सारे इत्थे मिल के बैठे ने फौजां जिहड़ियां ने किसानां दे नाल ने जिन्ना चिर किसान काले कानून वापस नहीं करता उन्ना चिर फौजां जिहड़ियां ने वह इत्थे ही रहणगियां डटियां सिंघू बार्डर ते सिंघू बार्डर ते ही किसान जिहड़े ने जुड़ के आए ने बिल्कुल जी इत्थे खालसा फतेह इत्थे जिहड़े हैगे ने सिंघू बार्डर दे उपर डटे होए ने किसान जी जहिदर बलवंत सिंह जथेदार बलवंत सिंह जी बुड्ढा दल जी बुड्ढा दल तो जथेदार बलवंत सिंह जी वाहे खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी जी ये निहंग सिंह फौजा सीगियां इत्थे जिहड़े बैठे होए ने स्टेज ते इन्हां नाल असीं गलबात कीती हैगी है ते असीं हुण नीचे चल के देखदे हैगे आ किवें दीआं तैयारियां जिहड़ियां ने अग्गे हो चुकियां ने ते गलबात करदे आ साधुवाद
परमात्मा मेहर करे सारी दुनिया की तंदुरुस्तियां तरक्या बाके बस थोड़े समय तक पहले राय की शुरुआत हो जा रही है। इत्थे तुसी देखिया हैगा है कि जदों जंग जौहर दिखाए जा रहे सी गतके दे ते निहंग सिंह भी जौहर दिखा रहे सी केवें बहुत सोहणे तरीके नाल तुसी जौहर दिखाए ने गतके दे ए किन्ने चिर तुसी दल दे विच हो? मैं 35 साल हो गए दल दे विच। पहला मैं कबड्डी दा खिडारी सी बचपन च, भांडे चमचे गलास निकरां बलैणा सब मेरियां जित्तियां शील्डां। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੇਡਦੇ 92-95, 25-25 ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਤ 'ਚ ਵੀ ਖਿਡਾਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਪਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਕੌਡੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜ ਲਏ, ਸਿੱਧਾ ਭੱਜ ਲਏ, ਬੈਕ ਭੱਜ ਲਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਤ ਕੇ 4th ਫਿਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਲਾਲ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਗੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੂਟਾ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਭਾਈ ਆ, 16 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਵੀ ਚਲਾਏ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਡਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਟੱਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੱਡਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਣਦੀਪ ਦਾ ਜੱਫਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਭਾਈਆਂ ਭਾਂਡਣ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਪਰ
अग लगी नहीं कदे जवाब करो ना फुटोलिया जो अग लगी जो बिछड़िया पंजाब पंजाब को तो सामने पंजाब के जो रेड हरियाणे की पर गल जफ्या से मुकनी है इधर बाबा शंकरापुरी चंडीगढ़ में साधु वाली की टीम भी एन सिरे का प्रदर्शन कर रही है शर्मा जतेंद्र सरा राई बाबा तलवंडी चौधरी और राम राज जी सारे वीर नजारे आ रहे हैं अगली रेड कहते मोहित ने भरती है एक पास याने का वीर योदा और मुकाबला कहते दो नंबर तो नौजवान ने टुट के किया और वैद हुए धक्के उखड़े पैर रणदीप ने कोशिश की है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं हो सकती मेहनत तो बिना जय जयकार नहीं हो सकती रोटियां का सुखराज गल सच कह गया है अज देखना कबड्डी कप कौन लै गया है भाई भाई रेड चौं जातियां दे विच सुरखपुरी योधे का टक्करा यादे दे वीर का टक्करा बलकार दी भाई फिर रेड सुरखपुरी कहिंदा लंघ मासी दा मुक्का किधर दी लंघना हाथ ना मर के बाहर आओ धन्यवाद करांगे दुनिया दे विच नाम चलदा गुलटोए नगर दा जीरे हरके तो पुजे साडे वीर लाओ सामने मलंगा 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 मरावड़ा तले बने उस कोर पड़दा मलंगा दे टकरा मेरे मित्रों की
ਤੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਲੈ ਵੀ ਸਰਾਜ ਜੋਤਾ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿਮਦ ਵਾਲੀਆ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦ ਵਾਲੀਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਦੋਂ ਲੇਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਪੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੌਰ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਿਮਦ ਵਾਲੀਆ ਜੋਤਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ जिहड़ी टीम स्वामी शंकरापुरी कबड्डी क्लब साधु वाला है ये ज्यादा खिलाड़ी हरियाणे के खेल रहे हैं खिलाड़ी हरियाणे के खेल रहे हैं सारे रेफरी वीरां दा धन्नवाद लो पहली फिर रेड आ मुंडे ने नथू चक दे मेले तो ਹੋਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਪਰ ਅਮਨ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਨਾ ਜੱਫਾ ਤਗੜਾ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸਾਡੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੱਗੂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਂਝ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਸਾਂਝ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ प्यार ना थोड़ा परमात्मा मेहर करे भी किसी के सट पेट ना लगे कबड्डी की जी गेम है खेडी जा रही है ते एक सट भी लग चुकी है किवें जिहड़ी है केड़ी केड़ी टीम खेड रही है एक हरियाणा दी है एक अपने पंजाब दी टीम क्लब आया दोनों कौन अगे चल रहा है जी जी देखिए टप्पे किनु जादे पै गए ने ते केड़ी जिहड़ी टीम अगे चल रही है तुसीं देखिया दोवें बराबर है दोनों तगड़ियां टीमां है दो वधिया इंटरनेशनल प्लेयर है दोनों टीमां दे विच ये इक्वली मैच चलदा पिया लगभग दो एक दो स्कोरां दा फर्क आ इहदा हाफ टाइम तक तुहानूं पता लग जू सर जिहड़ी जे किसे नूं सट लग जांदी है ते बार बार जो मैच खत्म होगा दूसरी टीम दो दिखाए जाने वाले मैच ने सब तो पहला गुरदासपुर लाइन्स फिर शंकरपुरी कबड्डी क्लब और रतिया ना टक्कर है मेरे मित्रों बलकार मान दे रतिया और रतिया सामने करता कर बाबा आत्मा सिंह क्लब हरियाणा तोता सिंह वाला मोगा ते बीबीएस क्लब रुड़का महाराणा प्रताप सिंह क्लब फिर सांझा एंड बाजवा क्लब ऑस्ट्रेलिया शेरे पंजाब कबड्डी क्लब न्यूजीलैंड शहीद परिवारों लिए भेज दे उन्हों का धन्यवाद ते होर जर्मनी दे नौजवान वीरां वल्लों 55,000 इन्हां शहीद रेड पै रही है तुसीं देख सकदे हो धन्यवाद दिलों थैंक यू करदे हैं सारी स्पोर्ट्स क्लब वल्लों लो पई सी कबड्डी ते मुकाबला सकता है आओ सिंह फस के कुंडियां दे मैच कबड्डी दा हुण होणा है हुणे भेड़ जो सन्ना दे खड़के टक्कू कुल जमाना मैच ओही ओ जित्तणगे जिन्हां दे डालियां पट्टां विच जाना सुखा मक्का ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪਾਈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਜੱਫਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ अमरीका तो पी रेड चार प्यार ने सुरखपुरी यादे की खेल से मान करता है कीपा टांडा अमरीका वाला पर उधरले बने तारी खीरा वाली है इंद्रजीत सिंह जी चेचे लाल ने परमंडी चौधरी की धरती है ड्यूटी ने कुर्सी अपने आप खाली कर देन आओ बिल्ले जाओ दी रेड मुकाबला सख्त है
एक रेड ते कई प्रेसा बजिया है ते बिल्ला कहंदे शौक दा तुरया जांदा है बिल्ला कहंदे शौक दा तुरया जांदा है आसमान दे विच कहंदे पंछी उडारी भर रहे गोले कबूतर उड़ रहे हैं पिंजर उड़ रहे हैं एक ग्राउंड दे विच कहंदे शीड़िया ने बब्बर शेर दहार रहे हैं लाओ रेड पाउण दे लई स्वामी शंकरापुरी कबड्डी क्लब साधु वाले दा गदरू बांधा होया है जाफी तैयार ने चारे तैयार ने पट्टा ते थापियां बज रही है हर की पाउण मग रही है खाठा मारदा कट्ठ है सिंगू बॉर्डर ते कहंदे धुम पई हुई है आओ मुकाबला सख्त हाथ जुड़ के शेरां दे खड़के देखो कुल जमाना लाओ सज्जे खब्बे वाइडियां हुई है डांडा उखड़े हुए पैर अगा हा जोर और हरियाणे का शोरा कहंदे उड जू करदा है अगली रेड छोटा कहंदे मैमल वालिया भारा शरीर है सामने बलकार मान दी पाई हुई रेड है जिनी भी रब रूपी संगत साडे किसान मजदूर चेचे तौर ते मां खेड़ कबड्डी का नाम मान लई पुजिया सारे का धन्यवाद सुखा जौल लाड जौल साडा बादशाह आस्ट्रेलिया बल्ली साडा वीर अमरीका तो ते नाल सर्वजीत ढिल्लो जी और मेन प्रमोटर ने इस क्लब दे तारी खीरा वालिया सामने बब्बू खीरा वालिया मलेशिया दे विच वसदा है ते दुनिया दे विच गल होई आ पंजाबी दी तगड़ा जफा लगे बल्ले बल्ले करवा गया अगले मैच दी टीमां भी बिल्कुल तैयार रहन गिया शेरे पंजाब कबड्डी क्लब जर्मनी ते नाल बड़ी बेनती है साझ एंड बाजवा कबड्डी क्लब नथू चाल दी टीम दे प्लेयर जिहड़े आ ओह तैयारी कर लेणगे लओ पैंदी फिर रेड मनी बड्डोवाल दी धरती दा कबड्डी मारिया चार चार ने स्वामी शंकरापुरी कबड्डी क्लब साधु वाले की टीम इधरले बने आओ रणदीप आओ रणदीप आओ रणदीप जिन्या रेडा पईया दस पीरियो एन रेडरां दी लंब लगी है आ खीरा वालिया गग्गी भी तैयारी फड़दा है थोड़ी धरती हिली है लगदा गग्गी काम छा होया आओ सामने कबड्डी पै रही सगराज कर गल पैंदी कबड्डी लाओ सामने कहंदे कबड्डी पै गई है दुनिया दे टिक्के बह गई है आनंद माण रही है छोटे बच्चे भी पुजे है नौजवान भी पुजे है ते कहंदे बजुर्ग भी पुजे हुए है पर आओ सामने मुकाबला सख्त है इशारा हो गया भी धक्के मार के जाफी ने रेडर नूं ग्राउंड दे विचों बाहर कढ दित्ता है कि माल मारिया दा तकड़े ले जांदे मुड मुड के दस्तूर मियां हणी उछल दे चढ़ा दे नाल छल्ला धक्के मार दे रोड दे दूर मियां बंदा भावे कबड्डी मियां सुखराज रोडे जिहड़ी दर्शकां नूं चाढ़दी सरूर मियां जिहड़ी दर्शकां नूं चाढ़दी सरूर मियां सरूर मियां किन्ने किन्ने पॉइंट ने दो टीमां दे राजू ते शंकरापुरी कबड्डी क्लब साधु वाला टीम ने नंबर ने 12 12 ते 22.5 अद्धा समा होया है हाफ समय दी खेड समाप्त आ ते हाफ समय दी खेड हाले बाकी है जेड़े वीर कोले मूव स्प्रे है कृपा करके ग्राउंड विच कोई दी कर दे मूव स्प्रे एक बेनती भी इधरली साइड कोई वीर पिछो बैठे छोटियां छोटियां रोड़ियां मूरलियां दे मार रहे है और दूसरे बल्ले मोहित कबड्डी 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 एक कहते सुरखपुरी है ते सुरखपुरी वीरां दी लओ कहते महमद वालिया जोता फिर कबड्डी पाउण दे लई वाधा है चिट्टियां कपाह दियां फुट्टियां वर्गी धुप निकली हुई है पंजाबियां दी जिंद जान खेड है कबड्डी दे बड्डे मल भिड़ रहे है मनजीत खोखर फौजियां वाला है पंजाब दे बड़े कपा दे कहिंदे बड़ियां टीमां बनाउंदे है दुनिया नूं इंतजार हुंदा है पर सामने पई हुई रेड बलकार मान दी दे दूजे पासे रची हरियाणे वाला मेरे मित्रो जफा लागे बल्ले 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 करवाऊगा के नहीं आओ सामने धूड़ उड़दी है ते पॉइंट स्वामी शंकरापुरी कबच्चर दी कला दे विच रखे बाबा नानक मेहर करे उधरले बल्ले पैगी कबड्डी पद्दो वालिया मनी ते छोटी उम्र दा उधरले बल्ले रोहित ते बल्ले 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 वाहे गबरू है पॉइंट रेडर ने से जा जड़ा पद्दो वालिया मनी कहंदे बल्ले बल्ले करा गया अगली कबड्डी पाउण दे लई कहंदे मोहित वाधा होया कबड्डी कबड्डी करदा वध रिहा है कबड्डी कबड्डी करदा वध रिहा है के फेयर इज ए ग्रेट हसल एंड बसल एंड प्लेयर्स प्लेइंग कबड्डी 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 वाह वे गबरू है गालब दे पिल्ले ने फैसला कीता है भी नंबर
ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੀ ਮੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਭਾਰਿਆ ਛੋਟਾ ਕਾਟਾ ਭਾਰਾ ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਜੀ ਕੈਂਚੀ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੁੰਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਨੂਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਕਮਨੇ ਅਮਨ ਸੁਨਿਆਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆ ਰੋਹਿਤ ਰੋਹਿਤ ਆਏ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਠਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਜ ਪਿਆ ਟੈਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਗਿਲਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਸ਼ ਕਰਤਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਸਟੇਜ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਚ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਜੰਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜੀਤਾ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਮਣੀ ਦਾ ਪਿੰਡੋ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰੇ ਹੋਇਆ ਲੱਗੂ ਜੱਫਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਟਕਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਾਵੀ ਨੇ ਕਸੂਤਾ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਪਾਣ ਜਿਹੜਾ ਗਬਰੂ ਧਾਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੁਖੇਰ ਬੁੱਕਦਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਛਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਖੈਣ ਬੱਲਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁੱਧ ਨਾਇਕ ਕੱਢਿਆ ਨਿਚੋੜ ਬਾਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨਾ ਪੈਰ ਬੱਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨਾ ਪੈਰ ਮੋਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਫਿਰ ਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਬਰਗੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਗਨ ਸਪਾਈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 51,000 ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸੁਰਖਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਲਾ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਜੀ ਵੱਸਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੋਪੀ ਹਕੀਮਪੁਰੀਆ ਵੀਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮੋ ਵਾਲੀਆ ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੋਟ ਢਾਈ ਵਾਲਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਮਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਹੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਟੱਕਰ ਜਸ ਗਗਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਿੱਲਾ ਗਗਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਭਰਾਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਸਤਨਾਮ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਗਗਨ ਇਸ ਲਈ
ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮੀਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਮੀਦੀ ਵਾਲਾ ਮਿੰਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੰਡਾ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਆਓ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੀਟੇ ਅਰਸ਼ ਹੈ ਨਾਲ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਮ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਆਓ ਭੱਜ ਸਿੰਘ ਕੇਚੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ ਗਰੇਵੀ ਨੇ ਉੜਦੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ कबड्डी कप के अंदर बजुर्ग जेडे ने बड़े ही चिर कबड्डी के मैदान देख सकते हो नाल दी नाल ही जिहड़ी मिट्टी आ पदरी करते जा रहे ने जदों दी कबड्डी स्टार्ट हुई उदों दी बैठे ने कोई कंकर देखते ने कोई रोड़ा देखते ने तो उसनू कढ रहे ने बाहर यह भी बहुत वड्डी सेवा है जिहड़ी बजुर्ग इत्थे विच कर रहे ने जदों दी कबड्डी स्टार्ट हुई है उस तों पहला दे मैदान दे विच ने ते उदों दे ही नाल दी नाल इह काम कर रहे ने देख सकते हो तुसीं कि एक मिनट भी इह बैठे नहीं अपनी टीम जोड़ दिता गुरलाल खड़ौर दुनिया का महान कबड्डी खिलाड़ी है कबड्डी खेल का बड़ा मल है वह भी साढ़े दरम्यान पुजा हुआ है पहले अनाउंस हुआ सी मंगे सिंह मंगी भी आया हुआ है नन्नी गोपालपुरिया भी आया हुआ है खिडारियों कोई मुश्किल का कोई सट ना लगे सारे जिन्हें भी प्रबंधक ने कह रहे हो कबड्डी कप दे भी इतने अपन सेवा दे रहे हैं सारे धन्यवाद करते हैं दयाल पिंड वाला पीता इस वे कबड्डी पाने के लिए वाधा होया है सिखदौल वाले काके का चंडा आया मेरे भीर सिखदौल का राज प्रसिद्ध खिलाड़ी होया है काके सिखदौल की अज ने कबड्डी कप के लिए मेरे भीर बहुत वड्डी देन है वड्डी मेहनत की है काके सिखदौल ने ना दविंदर चाह होनी सिख वीर होनी साढ़े गुरमुखी सिंह जी डीपी बहुत सत्कारयोग पैंदी हो रेड अगली रेड सिंह सरदार कबड्डी पाउंड लई वाधा लैके कलगी घर तों थापड़ा दिता चरनी सी सरवा बंदा सिंह बहादुर बन गया लिया कबड्डी चार खिलाड़ी ने थांदे वालियां सीपा रौली वाला नौजवान गबरू मीता लग्या होया है कोट भाई वाला कहिंदे मोनू लग्या होया है हुण किहड़ा खिलाड़ी बल्ले बल्ले करांदा है थांदे वालियां सीपा ते गगन सभरावां वाले दे दरम्यान मुकाबला है एक पासे कहिंदे मत्थों चाल दी टीम है साडे शिंदे वीर होणी कहिंदे अमरीका तों स्पॉन्सर कर रहे हैं इस टीम दे लई उहनां दा वड्डा योगदान है दूसरे पासे जर्मन वाले भरावां दा
ਜੋਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜੀ ਸਿੰਘ ਜੋਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਕੋਲਾ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਬੱਡੀ 365.com ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅੱਜ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੈਣਾ ਦੀ ਹੈਪੀ ਸਿੰਧੋੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਗਗਨ ਚੂੜ ਚੱਕੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਚੂੜ ਚੱਕੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਗਗਨ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਆ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਤਾ ਮਕਸਦ ਆ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਖਦੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਬੋਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪੰਮੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਨਾਲਾ ਕਢਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਪੁੱਜਾ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਕਿਆ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾਰੇ ਜਿੰਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਾਈਸ ਦੇ ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਤਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹਦਾ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਆਇਆ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਰਿਆ ਜੇ ਲੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ 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 ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਟ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੋਪੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ KTV ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਜੋ ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਜੋ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਤ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਹ ਪੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾਏ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰੂਦ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਗਾਂਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਛੀਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਲੇਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਆ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ ਯੋਧੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਥਰ ਥਰ ਕੰਮਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਸਰੀਰ
ये गुरु महाराज की बख्शिश है, मेरे बाजा वाले की बख्शिश है, ये श्री गुरु अंगद देव जी की बख्शिश है। बिल्कुल जी, असं आम इंसान की गल करते हैं, आम किसान की गल करते हैं, चाहे वह कबड्डी के खिडारी नहीं आ, एक परिवार यहोजा एक यहोजा किसान जो सिर्फ एक मेहनत करके खाता आ, उन्होंने गेम के नाल को समा नहीं हों कह सकते हैं। उन्होंने किसानों ने जिस दिन पहले दिन हरियाणे के बार्डर टप्पते ने असं कहने उन्होंने बुकों के नाल ही जोड़े टोए पट्टे से भर दते सी, तो अज भी अज तक खास तौर पर कबड्डी के खिडारी भी आए हुए हैं। अज की लगता है कि 26 फिर कि तैयारी है ये जो टोए कहने ने सुरंगा पट्टिया हुई साड़ी कौम ने जी, ये योधे आ साड़ी कौम के, ये शरीर से ना जायो ना गरीबी मीरी जायो, ये गुरु महाराज का बाली जो कोई किसी साड़े जालम टाकरा हों योधे आ जिन्होंने घोड़िया के बह के भुख्या ने रात कट्टिया तभी जंग जित गए। इतने तो गुरु महाराज की कृपा, लंगर ही इन्ने लगे हुए आ, रजे पुजे गुरु महाराज की कृपा, धूड़ा पट देंगे जी। बिल्कुल जी, दसवंध जिहड़ा आ दसवंध कढ़ के इत्थे जिहड़े ने लंगर लगे ने, इस तों इलावा दसवंध कढ़ के ही असीं तुहानूं दिखा रहे हां कि इत्थे जिहड़ा कबड्डी दा कप है उहदे लई भी पैसे जिहड़े ने इकट्ठे कीते जा रहे ने, तां जो जिहड़े शहीद परिवार है उहनां शहीद परिवारां तक जिहड़ी राशि आ मुहैया करवाई जा सके। ते इह साडे नाल कमेंट्री कर रहे सीगे जिहड़े खेड मैदान दे अंदर उह मौजूद सी, ते इत्थे तुसीं जिहड़ा खास तौर ते सिंघू बॉर्डर ते देख रहे हो अज दा माहौल की है, अज जिहड़ा कबड्डी दा टूरनामेंट जिहड़े करवाए जा रहे हैं जिस विच 8 टीम भाग लै रही ने, 6 टीम पंजाब अते 2 टीम हरियाणे दियां ने। तुसी हुणे ही अंदरों आए हो, की लगता है कि कीड़ी टीम जिहड़ी है सब तो वधिया इस टाइम प्ले ग्राउंड दे विच अपना जौहर दिखा रही है? टीमां सारियां बहुत वधिया जी, जितर एक अलग चीज़ आ सारिया टीम, एक असी मनोरंजन के तौर पर गल करते हैं ना, जिहड़ी टीम का कोई जाफी वधिया हुंदा है, कोई जिहड़ा रेड पाउण वाला हुंदा है वह बहुत वधिया हुंदा है, उहनूं खास तौर पर कोई एक बंदा जिहनूं खास तौर पर देखण दे लई किसान पहुँचते ने जी। मैं ना एक बुलारा, मैनूं जाने कि सारे प्लेयर ही सेम लगते हैं पर सारे ही वधिया, सारे सुपरस्टार आए, जिवें जोता महमद वाली आ अपना पिछले पाकिस्तान खेडिया वर्ल्ड कप खेडिया, होर सारे प्लेयर जिन्ने आ सारे बहुत वधिया आए आ, पर दो मल घुलदे एक ने टैणा, जित हार अलग चीज़ आ, चार तीन टीम खेड गई वा तो एक मैच बाकी रह गया, चार टीम होर ने क्वार्टर दे सेमी ते फिर फाइनल हाँ। बिल्कुल जी, ए सैमी तो बाद फिर फाइनल हो जाना है, तो जिहड़ी टीम जितूगी उसके लिए फिर जिहड़े वर्ल्ड कप के जिहड़े प्राइजेस ने वह भी रखे गए ने, की प्राइज प्राइज़ जिहड़े आ दिते जाने इन्हां नूं? अज का प्राइज़ आ, मैं सत्कारयोग साडे जिहड़े आ जर्मन वाले वीर महाराजा रणजीत सिंह जी कबड्डी क्लब जर्मनी तो, सरदार इंद्रजीत सिंह जी जर्मनी, और उन्होंने सारी क्लब न्यूजीलैंड तो वीर आ जिन्होंने सारा उपराला किया, 4 लाख रुपया उन्होंने अपनी क्लब वालों भी दिता जिहड़ा शहीद परिवारों की मदद की जानी है, तो जिहड़ा कबड्डी आल ओपन का पहला प्राइज 1 लाख रुपया, दूजा 75,000, जिहड़े बेस्ट रेडर जाफी होने उन्होंने 21,000 रुपया दिता जाना जी। बिल्कुल जी, ये खास तौर पर ना जिहड़े प्लेग्राउंड के जिहड़े कबड्डी खेड खेड रहे ने उन्होंने लिए खास तौर पर इनाम रखे गए ने, जिहड़ी बेस्ट आउंदी है फस्ट पहले नंबर पर आउंदी है उसके लिए 1 लाख रुपया, उस तो बाद जाफी के लिए तो रै जिहड़ा रेड पाउण वाला हुंदा है उहदे लई भी अमाउंट राशि जिहड़ी 21,000 रुपया उन्होंने दिती जानी है। तो अज तुसीं सिंघू बॉर्डर दीआं तस्वीरां देख रहे हो जिथे किसानां दे लई खास तौर पर कबड्डी का जिहड़ा खेड है, कबड्डी की गेम जिहड़ी पंजाबियों के दिलों की धड़कन है वह करवाई जा रही है, तो इसका आनंद लैण दे लई किसान जिहड़े ने जिन्ने भी इत्थे बैठे हुए ने वह सारे के सारे पहुँचे हुए ने। ये तस्वीरां सिंघू बॉर्डर दियां ने, इत्थे साडे नाल मौजूद ने गगन जोगेवाल जिहड़े हुणे खेड मैदान के अंदरों आए ने, उन्हां नाल गलबात करदे आं। सब तो पहला तां सत श्री अकाल जी, तुसीं हुणे मैदान के अंदरों आए हो, तो खास तौर पर यह जिहड़ा अज दा असीं दिन कहांगे किसानां दे लई खास तौर पर तुसीं इत्थे पहुंचे हुए हो, किन्ना जरूरी हैगा तुसीं ये हिस्सेदारी पाउण आए हो? वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट तुसीं जिहड़ा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया हैगा आ भी जिहड़े कबड्डी के खिडारी ने इत्थे आउण, एक तो किसानां दा मनोरंजन हो सकता है, दूजे नंबर पर जिहड़ा खास अहम चीज़ सीगी भी किसानां दे लई जिहड़े शहीद हो चुके ने उन्हां दे परिवारां दे लई कुछ मुहैया जिहड़ा राशि आ उह करवाई जावे, तुसीं खास तौर पर लगते हाँ जी। पहला यह जिहड़ा मेन आ साडे जिहड़े प्रमोटर साहबान उन्हां वल्लों जिहड़े अपने शहीद हो गए उन्हां दे परिवारां लई उन्हां दा जो भी आ जिन्नी कु हो सकदी आ उन्हां दी हैल्प करन वास्ते आ, ते बाकी सारे प्लेयर आपदा योगदान पाउण पहुँचे आ, और कबड्डी वाले प्लेयर पहले दिन तो ही इत्थे रह के जो कोई आपदी सेवा निभा रहे ने, ते बाकी हर एक दा साडा फर्ज बनदा आ इत्थे आ के आपदा हिस्सा बनदा जी।
खास तौर पर तुम हिस्सा पाने आए इतने आए हुए हो किनिया असं कह सकते किन्ने खिडारी थोड़े नाल जो थोड़ी जान पहचान के जोड़े सारे कहें भी असं उत्थे खेडन जाना है क्योंकि असं सुने राती कि बहुत सारिया अजय टीम रह गई क्योंकि इन्होंने को समा नहीं भी जो उन्होंने कहना पाया भी असं अज नहीं खिडा सकते इतने अठ क्लबा खेड रही अज लगभग 80 to 100 प्लेयर जोड़े इतने आए हैं सारे इंटरनेशनल प्लेयर इतने आए हैं तो कुछ आपदिया मजबूरिया करके ज कुछ उधर सेवा भी कर रहे हैं तो कुछ इतने नहीं पहुँच सके बाकी जिन्ना भी हो सकता सारे पहुंचे ने जी आपदे तुसी भी इंटरनेशनल प्लेयर हो हाँ जी तो तुसी केड़े केड़े देश विच खेड के आए हो तो की प्राइजेस जोड़े तुसी ले ने मैं लगभग हर कंट्री खेडे हुए जी कनेडा अमेरिका इंग्लैंड न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप भी मैं खेडिया 2014 हाँ जी प्राइज कुछ मोटरसाइकिल जीते है जी कुछ कार भी सम्मानित हुई है ट्रैक्टर भी जीते है हाँ जी हूं तक काफी कुछ है जी ये कबड्डी खिडारी ने जिहड़े इत्थे खास तौर पर पहुँचे हुए हैं असीं तुहानू बार बार दस रहे हैं सिंघू बॉर्डर के उपर कबड्डी का जिहड़ा मैच है इत्थे हो रहा है कबड्डी कप करवाया जा रहा है तो इत्थे 8 टीमां पहुँचियां हुई ने 8 विच्चों 6 पंजाब अते 2 हरियाणा दियां टीमां ने ते इत्थे जिहड़े खिडारी ने असीं उन्हां नाल गलबात की है कि वह खास तौर पर इत्थे पहुँचे हुए हैं वैसे खिडारियों नूं बहुत सारी राशि दित्ती जाती है परंतु इत्थे असीं कहांगे कि जिहड़ी टीम पहले नंबर पर आएगी उसनूं 1 लाख रुपया इत्थे दिता जाणा है तो खिडारी जिहड़े ने इत्थे किसानां दे लई पहुंचे हुए ने किसानां दे लई किसानां दे हक विच पहुंचे हुए ने हर खिडारी इत्थे पहुंचना चाहुंदा है तो एक मनोरंजन का साधन जिहड़ा है कबड्डी वो इत्थे करवाया गया इस तों इलावा जिहड़ी राशि है किसानां दे लई वो भी इकट्ठी की जा रही अज जिहड़ा वा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है जिन्हां वल्लों आ वाला कबड्डी कप हैगा असीं उन्हां नाल गलबात तुहाडी करवा रहे हैं सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी तुसीं जर्मनी तो स्पैशल आए हो एक कबड्डी जिहड़ा कप है ऑर्गेनाइज करवाउण दे लई अज दे दिन जिहड़ा इह किन्नी कु जरूरत सीगी इस कबड्डी कप दी जां किसानां नूं मानसिक स्थिति तो बाहर कढ़न दी ये तो जी कबड्डी कप इस करके करवाया जा रहा एक तो शहीद परिवार जड़े आ जे इत शहीद होए उन्होंने वास्ते थोड़ा बहुत दसवंध जिन्ना भी साढ़े तो हो सकिया तो दूसरा यह सगा भी साड़िया जड़िया कह सकते भी जो मोदी ने सानू इन्हें साड़ी पब्लिक नू स्ट्रेस पाई सी थोड़ा जहा मनोरंजन देने वास्ते इस वास करवाया जा रहा भी साढ़े संघर्ष के नाल नाल ये भी जरूरी आ अज जिहड़ा तुसीं स्टेडियम बना लिया सारे पासे असीं देखिया हैगा भी बड़े सोहणे ऑर्गेनाइज किया गया है इहनूं सारे किसान जिहड़े ने आसे पासे खड़े ने अंदर ग्राउंड दे विच कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई क्योंकि जे असीं गल करदे आ तां जे बाहर वाले स्टैंड ना हुंदे तां अंदर पब्लिक बहुत ज़्यादा होनी सी गेम खेडनी बहुत औखी हो जाणी सीगी किवें तुसीं सारा ऑर्गेनाइज किया ये तां जी सारा पंजाब तों लिआंदा समान इह ये परसों का इन्हों जिदा ऑर्डर कर दिते जिदन का साडा ये प्रबंध किया असी उस दिन तो ही ऑर्डर कर दते भी इस तो बगैर होने नहीं क्योंकि पंजाब के भी इन्होंने बैरीगेटर नाल ही जो लाए होंगे इन्होंने ही कबड्डी के मैच होंगे ठीक है जी लगभग किन्ने के जिहड़ी अमाउंट आ शहीद परिवारां नूं एक नूं दित्ती जा रही है क्योंकि कोई 100-150 दे करीब जिहड़े शहीद हो चुके ने अज तक जी इहदे विच तां कोई साडा पक्का नहीं हैगा भी किन्ने होणगे साडे वल्लों कीता जाऊगा जिन्ना भी वध तों वध हो सकिया भी जिन्ने भी साडे असीं भी दसवंध जिहड़ा अपना दसवंध जिहड़ा कढ़िया असीं अपनी कमाई चों बाकी जिहड़ा असीं जिहड़े साडे कबड्डी दे नाल हैगे आ जुड़े हुए आ जिहड़े बाकी इत्थे दे जिहड़े सानू असीं उत्थे जिहड़ा दसवंध वास्ते बॉक्स रख्या ओहदे वास्ते भी ओहदे विच भी जिन्ना जो कुछ भी होगा असीं सब कुछ साडे उहनां परिवारां वास्ते कीता जाऊगा तो जिहड़ा कबड्डी दा क्लब कप करवाउण दा खर्चा वो सारा इस दे सारा साडी कबड्डी क्लब वल्लों हो रहा जी बिल्कुल 8 टीम आई हुई ने ते हुण तक किन्नियां टीमां तुसीं देखिया होणा भी जिहड़ी अगे चल रही ने जिन्हां दे पॉइंट्स ज़्यादा ने इत्थे तो 2 ही मैच खेड होए आ दूसरा खेड हो रहा मतलब कि इहदा पूरा नहीं होया दूसरा तां उदां वैसे 8 टीमां आ 8 टीमां 6 पंजाब दियां तो 2 हरियाणे दियां वह भी अव्वल दर्जे दियां जिहड़ियां इंटरनेशनल लैवल ते जिहड़ियां खेडे आ प्लेयर हाँ जी वो सारे इत्थे पहुंचे हुए ने ते जिहड़ा किसानां दा मानसिक परेशानी उसनूं भी दूर किया जा रहा है ते नाल दी नाल ही जिहड़े तुसीं कह रहे हो कि शहीद परिवारां दे लई फंड भी इकट्ठा किया जा रहा हाँ जी वह इस करके कर रहा भी ये एक कबड्डी कप ही इस करके उत्ते फंड रेंजिंग कबड्डी कप ही लिखा इस करके भी जिहड़ा बाहरले NRI वीरां ने भी देना
वह भी उतों भी जोड़ा आऊगा ज इतों भी जोड़ा इकट्ठा आऊगा उन्हें वह भी साढ़े परिवार ही असं अपने परिवार ही समझते हैं जी। वो चाहे कित कोई भी आ बंदा वो इस करके हो रहा भी साढ़े परिवार आ बिल्कुल जी। इन्होंने बहुत सोहने तरीके दस्या है कि खास तौर पर जो कबड्डी कप है शहीद परिवारों के लिए राशि प्राप्त करने के लिए ज राशि इकट्ठी करने के लिए करवाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने शहीद परिवार जिन्हों के जोड़े किसान ने कुछ इतने सिंगू बॉडर से टिकरी बॉडर से ज शहीद रस्ते एक्सीडेंट के कारण शहीद हो चुके हैं उन्होंने परिवारों की मदद के लिए खास तौर पर कबड्डी कप जो करवाया जा रहा है। तुम देख सकते हो तस्वीर कि किस प्रकार जोड़े कबड्डी ने रुखों के उपर चढ़ के भी इतने देखी जा रही है। उधर तुम देख सकते हो कोठिया के उपर भी जोड़े किसान बैठे हुए हैं, तो पूरी ग्राउंड भी असं दिखाई है कि बहुत वीड्डी है। तो आले दुआले ट्रैक्टर वगैरह लगा के ज इन्हों बैठिंग बैठन का प्लैन भी जोड़ा किया होया उस तरीके सारे जड़े ने बैठ के इस कबड्डी देख रहे हैं। तो जोड़ा मनोरंजन है उन्हों का ये किया जा रहा है। इतने चिंगू बॉडर दस्वीर ने जिते खास तौर पर कबड्डी कप जोड़ा करवाया जा रहा है। तो छे टीम पंजाब से दो टीम हरियाणे दियाँ इतने पहुंचिया हुई ने, तो इतने मनोरंजन किसानों का कर रही ने जो कि बहुत जरूरी सी। नाल दी नाल बहुत वड्डा काम जोड़ा किया जा रहा है कि फंड इकट्ठा करके शहीद परिवारों के घर तक पहुँचाया जाना सब तो वड्डा उपराला जोड़ा इस कबड्डी कप वालों यही किया जा रहा है। तुम देख रहे हो के टी वी यूके कैमरामैन अलजिंदर के नाल पलविंदर कौर।